नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़े जाने वाला पानी हमेशा दिल्ली में मुसीबत पैदा करता है, लेकिन इस साल तो 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में करीबन 40,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। ये वीडियो द्वारा आप साफ साफ समझ सकते होंगे कि दिल्ली में बाढ़ के क्या हालात है। लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, सभी लोग फंस चुके हैं। क्या कर रही है प्रशासन, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी डेंजर लेवल को क्रॉस कर गया है। 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट चुका है। बुधवार तक यमुना में 208.53 मीटर तक पानी पहुंच गया। इससे पहले यमुना में 207.49 मीटर पानी पहुंचने का रिकॉर्ड था। बारिश के बाद नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली को पानी देने वाले 3 वाटर प्लांट बंद हो गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पानी घुसने की वजह से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। 25% पानी नहीं मिलेगा। अगले 2 दिन तक दिल्ली में पानी की भी किल्लत होगी। 2013 के बाद पहली बार पुराने रेलवे ब्रिज पर जल स्तर सुबह 4 बजे 207 मीटर के निशान को पार कर गया। रात 11 बजे तक बढ़कर 208.08 मीटर हो गया था। गुरुवार सुबह तक 208.53 मीटर तक पहुंच गया। इसके और बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं एक्सपर्ट ने बाढ़ के कारण भी गिनाए हैं। उनका कहना है कि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण हो गया है, कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है और गाद जमने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी के आसपास निचले इलाके में करीब 41,000 लोग रहते हैं। ये इलाका बाढ़ को लेकर संवेदनशील माना जाता है। यहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और निजी व्यक्तियों की जमीन है। उसके बावजूद नदी के बाढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण हुआ है। सोमवार रात नदी 206 मीटर को पार कर गई, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज़।